आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। ये जो ग्राउंड है अड़ाई क्लिनिक, ये है ही रिजर्वेशन। इधर कोई कुछ नहीं बना सकता, ना बिल्डिंग बना सकता है ना कुछ बना। पर हमारे यहाँ एक आदत, हम हर चीज में सिया सकते। जैसे स्कूल के बाथरूम 3 महीने से हमने रिपेयर करके अच्छे करके छोड़ दिए। कंप्यूटर पिछले 3 महीने से लाकर उधर रखकर हमने बच्चों की पढ़ाई भी शुरू कर। हमने कभी भी उधर झक के नहीं देखा कि भाई क्या हो रहा है, और किसी को बताया भी नहीं कि हमने बनाया। और मेरा खास बोलना यह है कि जो सिलाई मशीन बांटी जा रही है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से आई है, अगर आपको मशीन नहीं मिली है तो म्युनिसिपैलिटी में दौड़ो, हमारे पास तकरार करो। यहाँ के अधिकारी नाकाम है। इनको कमिश्नर ने बोला था कि किसी भी सियासती लोगों को लाओ मत, बांटो अपने हाथ से। तो बेचारा खुद कबूल कर गया आपके सामने कि क्या करूं सर, इतना प्रेशर है कि मैं कुछ कर भी नहीं पाता। अभी हम लोग इतने जने, हम लोग गए उधर बांटने तो, पर हमारा इतना हल्का काम नहीं है। हम खुद के पैसे से काम करते, वो बताते भी नहीं। जब तक जान में जान है, एक राउंड आपके पास भी कोई अड़चने नहीं आएगी सर, बिल्कुल नहीं आएगी। किसी का बाप नहीं रोकेगा तुमको। रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का प्लॉट हमारा ही रहता है, और मालिक कुछ बोलेगा ना, उसको क्या करने का कोई आके खेला। यानी कल से शुरुआत हो गई। अरे आज से, अभी तुमको दौड़ना है क्या? इधर जाओ, दौड़ के आओ। सब लोग उनको जो बोलना है बोलने दो यार, मैंने कुछ किया ही नहीं 13-15 साल में। एक रास्ता नहीं बनाया, एक गटर नहीं बनाया, पानी नहीं लाया, लाइट नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। मैं तो काम ही करता नहीं था, तो मालूम है ना, तो मैं घर में सोया पड़ा रहता था, कभी क्या था पत्ते खेलता था। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर में काफ़ी दिनों से खेल के मैदान को लेकर काफ़ी मांगे हो रही हैं, और विरोधी से लेकर शहर के बच्चे भी खेल के मैदान की लगातार मांग कर रहे हैं। आप ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, कुछ दिन पहले ही यहाँ के विधायक जितेंद्र भाट ने मुमरा शहर के लोगों से कहा कि ये ग्राउंड है और यहाँ पर आप लोग जाकर खेल सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कचरा भी डंप किया जाना शुरू हो गया, जिसके बाद यहाँ पर जो ये गेट लगाया गया है, इस गेट को बंद करके ताला लगा दिया गया। उसके बाद तमाम सवाल पैदा होने लगे कि आखिर जब ये खेल का मैदान दिया गया था, यहाँ पर भरनी की गई, उसके बाद क्यों जो है बंद किया गया लोगों को, बच्चों को खेलने के लिए। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जो बताया जा रहा है कि डंप कचरा जो किया जा रहा था उसके लिए बंद किया गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर एक सूचना जो है बोर्ड भी लगाया गया है, और इस पे सर्वे क्रमांक 55 पार्ट 56 पार्ट और 57-58 पार्ट और 59 और 68 पार्ट व 69 पार्ट, ये जो नरोत्तम नगर सोसाइटी हाउसिंग की ये ज़मीन जो है बताई जा रही है, और इस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण या हक अगर कोई दिखाता है तो उसके विरुद्ध कायदे से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का सूचना बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर सूचना बोर्ड लगाया गया है, लेकिन वहीं विधायक जितेंद्र भाट आज फिर यहाँ पर पहुँचे थे और इस ग्राउंड को लेकर एक बार फिर उन्होंने अनाउंस किया कि ये ग्राउंड आज से मुमरा कौसा के बच्चों के लिए दिया गया है, यहाँ पर जो है वो खेल सकते हैं। उनका कहना है कि ये रिजर्वेशन प्लॉट है, यहाँ पर जो है खेल का मैदान ही दिया जाएगा और बच्चे यहाँ पर आकर खेल सकते हैं। दूसरी तरफ इस तरह का बोर्ड लगा है, लेकिन जितेंद्र भाट का दावा है कि ये दरअसल रिजर्वेशन है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी बिल्डिंग वगैरह अतिक्रमण यहाँ पर हो नहीं सकता है। इसके अलावा विधायक जितेंद्र भाट जो मनपा का स्कूल है MMLE पर, वहाँ पर भी गए थे। वहाँ पर काफ़ी पीने की पानी और जो है नल टूट गए थे, बाथरूम शौचालय जो है वो टूटे हुए थे, और ऊपर जो छत था सीलिंग वहाँ से पानी भी गिरता था। उसका भी काम बताया जितेंद्र भाट ने कि काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद वहाँ पर पानी की सुविधा और जो है नल जो टूटे थे वो सब बनाया गया, और ऊपर जो सीलिंग थी जो पानी टपक रहा था उसे भी बनाकर दुरुस्त किया गया है। विधायक जितेंद्र भाट आज यहाँ पर पहुँचे थे इस ग्राउंड में, इस दौरान क्या कुछ उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा है आपको सुनाते हैं। पिछले कुछ दिनों से लोग इस मैदान के बारे में बात कर रहे थे। ये मैदान कभी का मैंने ताबे में ले रखा है। बहुत 2 साल हो गए यहाँ पे लड़कियाँ
सावित्री बाई फुले और फातिमा भी इनके नाम से ये मैदान खोला गया था। परचम परचम नाम का एक एनजीओ था, वो संभलता था ये ग्राउंड। फिर क्या हुआ, फिर डंपिंग के लिए जगह नहीं थी, तो कुछ महारथियों ने पैसे लेके यहाँ पे डंपिंग शुरू कर दिया। अनर भाई, मालिक ने मुझे फ़ोन किया कि ये बराबर बात नहीं है, मेरी ज़मीन पे डंपिंग हो रही है। तो मालिक बोला कि मैं लॉक लगा देता हूँ। तो फिर मैंने भी इनकार नहीं किया कि ग्राउंड किसी की मालिकाना हक की ज़मीन है। तो मैं बोला भाई तुम जो समझो ठीक समझो कर दो। अभी ये डंपिंग बंद हो गया, डंपिंग ग्राउंड खुल गया। तो मैंने मालिक को फ़ोन किया, मालिक को फ़ोन भी नहीं किया। ये जो ग्राउंड है 2.5 एकड़, 3 एकड़, ये है ही रिजर्वेशन। इधर कोई कुछ नहीं बना सकता, ना बिल्डिंग बना सकता है ना कुछ बना सकता है। पर हमारे यहाँ एक आदत है, हम हर चीज़ में सियासत करते हैं। जैसे स्कूल के बाथरूम 3 महीने से हमने रिपेयर करके अच्छे करके छोड़ दिए थे। कंप्यूटर पिछले 3 महीने से लाकर उधर रखकर हमने बच्चों की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। हमने कभी भी उधर झाँक के नहीं देखा कि भाई क्या हो रहा है, और किसी को बताया भी नहीं कि हमने बनाया। पर लोग तो अब म्यूनसिपाल्टी की आए मशीनें भी खुद के हाथ से बांट रहे हैं, जैसे वो अपने घर से लाए हैं। काम अपना नहीं है, तो इसका है क्या? और मेरा खास बोलना ये है कि जो सिलाई मशीन बांटी जा रही है म्यूनसिपाल्टी की तरफ से आई है, अगर आपको मशीन नहीं मिली है तो म्यूनसिपाल्टी में दौड़ो, हमारे पास तकरार करो। यहाँ के अधिकारी नाकाम है। इनको कमिश्नर ने बोला था कि किसी भी सियासती लोगों को लाओ मत, बांटो अपने हाथ से। तो बेचारा खुद कबूल कर गया आपके सामने कि क्या करूं सर, इतना प्रेशर है कि मैं कुछ कर भी नहीं पाता। मैं भी अधिकारियों की समझ सकता हूं ये हालत क्या है। उनको कमिश्नर ने स्ट्रिक्ट बोला था कि कोई भी सियासत वाला नहीं बांटेगा, ये अपना काम है, अपन के अपने पैसे हैं, इसमें सियासत वालों का कुछ भी काम नहीं। अभी हम लोग इतने जने हम लोग गए उधर बांटने, तो पर हमारा इतना हल्का काम नहीं है। हम खुद के पैसे से काम करते, वो बताते भी नहीं है, तो दूसरे की उधार का क्यों बताएंगे हम। तो आपने टॉयलेट देख लिया, आपने ट्रॉली देख ली, और आज मुमरा वालों को बता देना कि ये मैदान उनके लिए खुल गया, कभी भी आओ, कोई भी खेलो, जब तक जान में जान है ये ग्राउंड आपके पास है। सर ये मैदान कहाँ पे है? ये पूरा मैदान है, ये पूरा मैदान है, ये पूरा मैदान ही है। ये अभी डिमार्केशन वगैरह हो जाएगा, लेकिन ऐसा है खुला मैदान तो मिला खुलने के लिए। ये मेरे को लगता है उतना ही बड़ा है जितना नहीं दरगाह रोड वाला नहीं, वो मित्तल ग्राउंड था, इतना बड़ा नहीं रहा, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए जितनी जगह थी वो इतनी है। सर तो ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो गया है कि ऑफिशियली, तो अब ये जो बोर्ड लगा है इस मैदान में वो मालिक है। अभी कोई अड़चन नहीं आएगी सर? बिल्कुल नहीं आएगी, किसी का बाप नहीं रोकेगा तुमको। संडे को मैच है, संडे के दिन, संडे के दिन मैच है, ओपनिंग मैच, ऐसे ही एक ओपनिंग मैच रख देंगे। यानी इसका मतलब आज नहीं, आज से लोग जब भी आए मांगता है तभी खेल लो इधर, कोई ऊपर वाला नीचे वाला किसको पूछने की जरूरत नहीं है। तो सर इसको खेलने के लायक बनाने के लिए कुछ रिपेरेशन का काम भी लगेगा, तो वो भी हो जाएगा? देखो ऐसा है कि आपको शायद मालूम नहीं, इसमें कम से कम 100 ट्रक अच्छी मट्टी गिरी हुई है, और जैसे जैसे जरूरत लगेगी वैसे वैसे ये ग्राम साफ किया जाएगा। ये तो बंद किया था, सिर्फ वो जो डंपिंग होता था और उसकी वो जो बास आती थी, तो ये लोगों ने सबने ऑब्जेक्शन दिया था कि हम सो नहीं पाते, तो मेरा मैं कुछ कर नहीं पाया, पर अभी डंपिंग बंद कर दिया। तब ये खेल का मैदान मुमरा को दिया गया? मुमरा का ही है, दिया क्या गया? मालिक है क्या कोई बाप मालिक है क्या इसका? ये रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का प्लॉट हमारा ही रहता है, और मालिक कुछ बोलेगा ना, उसको क्या करने का, कोई आके खेला उसको क्या लेना देना है, कोई भी खेले इधर। यानी कल से शुरुआत हो गई? अरे आज से, अभी तुमको दौड़ना है क्या इधर? जाओ दौड़ के आओ सब लोग। सर अपना ग्राउंड को लेकर विरोधियों को क्या कहेंगे? नहीं मैं किसी को कुछ कहता नहीं, नहीं अभी इसके, अरे नहीं 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 बाबा, उनको जो बोलना है बोलने दो यार, मैंने कुछ किया ही नहीं 13-15 साल में। एक रास्ता नहीं बनाया, एक गटर नहीं बनाया, पानी नहीं लाया, लाइट नहीं लाया, कुछ नहीं लाया, मैं तो काम ही करता नहीं था। आपको तो मालूम है ना, मैं घर में सोया पड़ा रहता था, कभी क्या था पत्ते खेलता था, मैं कुछ करता ही नहीं था। थैंक यू सर। मैं घर में बैठ के कोविड हो गया ना, ये इधर का हॉस्पिटल 18 करोड़ का आया,
वैसे वो इंजेक्शन थे वैसे आए ऊपर वाले ने भेज दिए पर मेरे हाथों में इधर आ जाओ ना ये थोड़ा पीछे जाओ।